उत्तर प्रदेश के झांसी में जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मतदान किस दिन होगा और मतगणना किस दिन होगी, इसको लेकर आज एल्डर्स कमेटी के सदस्यों ने मीडिया के साथ बातचीत की। उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जानकारी दी। एल्डर्स कमेटी के सदस्यों ने बताया कि इस बार का चुनाव अलग होगा। उन्होंने मीडिया को पूरी जानकारी देते हुए बताया कि किस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित की। देखिएगा, ये हम लोगों का जो चुनाव निर्वाचन है वर्ष 2023-24 का, उसमें हमारे जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन माननीय प्रकाश नारायण द्विवेदी जी, हमारे एल्डर कमेटी के वरिष्ठ सदस्य श्री रघुवीर शरण वाजपेयी जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री दामोदर दास अग्रवाल जी, हमारे एल्डर कमेटी के सदस्य श्री सुधीर कुमार सक्सेना जी, हमारे एल्डर कमेटी के सम्मान्य सदस्य श्री जगदीश प्रसाद लिखदारी जी के निर्देशानुसार मैं एल्डर कमेटी का प्रतिनिधि विवेक वाजपेयी, एक हम लोगों के एल्डर कमेटी भी जो यहीं उपस्थित है, हमारे साथ राकेश टंडन एडवोकेट, ओपी यादव एडवोकेट, केजी श्याम सिंह एडवोकेट, श्रद्धा यादव एडवोकेट, जय देवी साहू एडवोकेट, हमारे ऋतु हंस एडवोकेट और रश्मि यादव एडवोकेट, हमारे द्विवेदी जी के सन, ये सभी लोग यहाँ जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हैं, इस आशय से ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है कि जो वर्ष 2023-24 का निर्वाचन हो वो एक स्वस्थ स्वच्छ और अच्छा निर्वाचन हो और समाज में ये मैसेज जाए कि वास्तव में जो अधिवक्ता का सम्मान पूर्व में रहा है और पूरा समाज करता है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है अधिवक्ता अकॉर्डिंग टू CRPC, तो उसका वही सम्मान रहना चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में क्या देश में ये समाज ये जाना चाहिए। लोग करते क्या थे कि तमाम अभी कुछ दिनों से देखने को मिल रहा था हमारी एल्डर कमेटी को कि जब चुनाव होता था तो कुछ स्टॉल आदि भंडारे आदि करवाते थे, तो एल्डर कमेटी ने एक निर्वाचन प्रक्रिया के लिए एक नियमावली तैयार की और उस नियमावली में ये स्पष्ट किया कि कोई भी प्रत्याशी किसी भी मतदाता को प्रलोभन आदि नहीं देगा कचहरी परिसर में। इसके अलावा और भी नियम बनाए हैं उन्होंने, उसकी बाकायदा एल्डर कमेटी अपनी तरफ से एक वीडियोग्राफी कराएगी और ऐसा करते हुए पाए जाने के प्रत्याशियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी एल्डर कमेटी करेगी और उनके नामांकन भी रद्द किए जा सकते हैं, उनके विरुद्ध वार काउंसिल और उत्तर प्रदेश भी लिखा जाएगा अगर ऐसा पाया जाता है तो प्रत्याशियों की तरफ से। इसके अलावा एक एल्डर कमेटी के द्वारा विगत होता क्या था कि पिछले जो कार्डकारिणी जैसे चुन जाती थी और चुनने के बाद एक वर्ष का कार्यकाल हुआ उनका, अब उन्होंने 4 महीने किसी बहाने किसका है, 6 महीने किसी बहाने किसका है, जबकि हमारे संविधान में मॉडर्न बायोलॉज में ये है सेक्शन 18 में कि कोई भी जो जिलाधिवक्ता संघ है वो एक वर्ष का कार्यकाल तक ही रहेगा और अगर किसी परिस्थितिवश एक वर्ष से अधिक का कार्यकाल बढ़ाना होता है तो 1 माह का कार्यकाल वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन है कि वो अनुमोदन लेंगे यानी अप्रूवल लेंगे एल्डर कमेटी से। पिछले 2-3 वर्षों से हो ये रहा था, कभी चुनाव 2 वर्ष में हो रहा था, कभी 1.5 वर्ष में हो रहा था, तो एल्डर कमेटी ने सभी प्रत्याशियों से पहली बार एक एक शपथ पत्र इस आशय का लिया है कि वो निर्वाचन नियमावली का पालन करेंगे और एक वर्ष के अंदर एक वर्ष में उनका कार्यकाल पूरा होते ही अपना चार्ज एल्डर कमेटी को सौंप देंगे और किसी परिस्थिति बस अगर उन्हें कार्यकाल बढ़ाना पड़ता है, कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो 1 माह का टाइम वो इस कंडीशन पे एल्डर कमेटी से बढ़वा सकते हैं तब जब एल्डर कमेटी का अनुमोदन उन्हें प्राप्त हो, इस ये बात उसमें जो है रखी गई है। इसके अलावा अगर जो इस तरह के स्टॉल वगैरह लगाते हैं तो उनके वीडियोग्राफी होगी और उनके खिलाफ़ कार्रवाई भी की जा सकती है। पिछले बार क्या हुआ, अभी जो हमें एल्डर कमेटी को जो लिस्ट दी गई थी मतदाता सूची, वह मतदाता सूची में अनेक कमियां एल्डर कमेटी ने जांचा तो उसमें पाई गई, अनेक मतदाताओं के किसी का COP नंबर आजमगढ़ का है, किसी का लखनऊ का है, किसी का इलाहाबाद का है, ऐसे मतदाता भी उस मतदाता सूची में जुड़े हुए थे। अब वो जिस वजह से भी हुआ हो हमने तो देखा नहीं, इसलिए जो है इसके अलावा क्या था
कि उसमें तमाम ऐसे मतदाता भी नहीं थे जो वास्तव में एंटाइटल थे अपना वोट राइट करने के लिए, तो उनको एल्डर कमेटी ने निष्पक्ष और किसी भी तरह का पक्षपात ना करते हुए निष्पक्ष चुनाव करवाने के उद्देश्य से ऐसे मतदाताओं को उसमें जोड़ा। कई मतदाता डिवीज़नल बार एसोसिएशन के थे, उनको हटाया एल्डर कमेटी ने। तो पहले जो लिस्ट दी गई थी वो 1707 मतदाताओं की सूची दी गई थी, मतदाता सूची। उसमें जब ये सब जांच वगैरह हुई तो वर्तमान में 1720 मतदाता एल्डर कमेटी ने फाइनल लिस्ट के लिए किया है उसको, और 1720 मतदाता इस चुनाव में मत करेंगे। और चुनाव हमारा झांसी क्लब प्रांगण में दिनांक 29/5/2023 को प्रातः 8 बजे से साय 5 बजे तक मतदान होगा। इसके अलावा दिनांक 31/5/2023 को पुस्तकालय कार्यालय हॉल है जो झांसी में ही जिला अधिवक्ता संघ में ही, तो वहां पर हमारी मतगणना शुरू होगी प्रातः 8 बजे से दिनांक 31/5/2023 को। ये सारा प्रोग्राम आप लोगों को